फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z9 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के ना वाईफाई की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब भी हम अपने मोबाइल फोन का जो वाईफाई है उसे दूसरे डिवाइस के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे फोन का जो वाईफाई है वो दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता। तो इस वाईफाई की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार ना रीस्टार्ट कर लेना है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप पे टैप करना है। अब आपको यहाँ पर ना इस पेज में नीचे आना है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मेटा सर्विस का, ये वाला, ये जो मेटा सर्विस है इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका नीचे कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाता है। अब आपको बैक पेज पे आना है और इसके भी बैक पेज पे आना है, तो यहाँ पर मेटा सर्विस की इसी लाइन में आपको जो है ना सबसे ऊपर आना है, ठीक है ना। सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है वाला एंड्रॉइड सिस्टम, इसे भी टैप करना है। इसके अंदर भी आपको स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है, यहाँ पर भी आपको क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका नीचे कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग पेज में लाएगा। आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम करना क्या, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में नीचे की साइड इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन का जो वाईफाई की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या आप अपने फोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके मोबाइल फोन के वाईफाई की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।